अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये स्लॉट मैंने आउटडोर बनाया है, बेसिकली वॉक के लिए आई थी। डिग्री भी ना, मौसम काफ़ी बेटर हो गया है मगरिब के बाद, तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि थोड़ी सी जो है इंफॉर्मेशन अबाउट अपडेट वीज़ाज आपको यहीं पर दे दी जाए। इट्स अच्छा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पत्ते भी जनाब सर सब्जो शादाब हो रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं अपने सेशन का मिसेस तसव्वुर मलिक टीएम ट्रैवल की ओनर आपकी होस्ट आज आपसे बात करने वाली हैं कि जनाब कौन कौन से वीज़े जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और कौन कौन सी अपडेट्स नहीं आने वाली हैं और इनके टिकट्स ओपन हो गए हैं और कौन से वीज़े अभी लगना शुरू हो गए हैं। ई वीज़ाज़ को अब ज़्यादा हाईलाइट करने लगे हैं आज की तारीख में। जनाब तो साडा पाकिस्तान तो अपना पाकिस्तान है, पाकिस्तान की खूबसूरती और ब्यूटी के बारे में क्या कहना। तो इस हिसाब से इन चीज़ों को बरोए कार लाते हुए मैंने सोचा आज अपनी ये अपडेटेड वीडियो जो है तो थोड़ी सी आउटडोर आकर बनानी चाहिए। जनाब जॉगिंग ट्रैक है, मौसम बहुत खूबसूरत है और लोग जो हैं वो वॉक पर निकले हुए हैं। तो वैसे तो मिसेस तसव्वुर मलिक को आप ऑलमोस्ट इंडोर देखते हैं और वीज़ा के बारे में जितनी भी असिस्टेंस होती है वो हमारी बैठ कर ही होती है। तो जनाब बात करेंगे कि कौन कौन से ई वीज़ाज़ हैं जो इस वक्त स्टार्ट हो चुके हैं। तो पहला वीज़ा जिसके बारे में हम आपको बताने लगे हैं वो किर्गिस्तान का है। इसके रेट्स भी मैंने आपके साथ अपडेट कर लिए थे। देन इसके बाद हमने बात की थी आपसे दुबई का, तो आपको उससे पहले ही पता होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं स्क्रीन पर, अभी इसी स्लॉट के दरमियान जो है वो उन चेकलिस्ट आ जाएगी जिसमें उन कंट्रीज़ के नाम होंगे जिनमें कुछ के जो हैं वो टिकट्स ओपन हो चुकी हैं और कुछ जो हैं वो थोड़े दिनों बाद ओपन होंगी, लाइक 16 अक्टूबर। दिस इज़ द गुड टाइम टू फ्लाई इन अ ग्रुप ट्रैवल और FITs फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मालदीव को आप हमने फोकस किया है इस दफ़ा क्योंकि मालदीव जो है वो उसका वीज़ा ऑन अराइवल होता है, तो डैट इज़ द मेन रीज़न हमने मालदीव को फोकस किया है। 16 अक्टूबर से हमारा ग्रुप टूर भी जाएगा और आप FITs में भी जाएंगे। इसके बाद हम बात करने लगे हैं आपसे कीनिया की। कीनिया का ई वीज़ा है, कीनिया को भी आप इंजॉय कर सकते हैं अक्टूबर के मंथ से। अगर आप वाइल्ड लाइफ को लाइव देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर इंजॉय करें और ज़रूर जाएं। इसके बाद हमने फोकस किया है ट्यूनीशिया के वीज़े को, तंजानिया के वीज़े को और ईरान के वीज़े को। बहुत सारे ऐसे वीज़ा हैं जिनके अभी एयरपोर्ट्स पाकिस्तान के लिए नहीं खुले हैं, लेकिन द मेन रीज़न फॉर द फोकस इज़ दैट के वो वीज़े हमारे इमिग्रेशन से स्टार्ट हो चुके हैं। बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फ्लाइंग सिविल एविएशन अक्टूबर, मिड अक्टूबर एंड नवम्बर हमारे पास जो है वो फ़्लाइट्स ओपन हो जाएंगी। स्क्रीन पे उन कंट्रीज़ के नाम चलेंगे, आप उस नाम को नोट डाउन कर लीजिए। ये जो भी वीज़ाज होंगे ये टोटली ई वीज़ाज होंगे। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल एयर, बहुत ही खूबसूरत हवा चल रही है और बहुत रियली मज़ा आ रहा है। एक्चुअली मैं बार बार नीचे इसलिए देख रही हूँ क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है और यहाँ मेरा पाउच रखा हुआ है, तो दिस इज़ द मेन रीज़न। और जनाब मैं इसके साथ थोड़ा थोड़ा आपको वॉक करते हुए भी लेकर चलती हूँ ताकि आप हमारे साथ देख सकें कि रात के टाइम में जो है वो पार्क में एक बहुत ही खूबसूरत इंजॉयबल माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही स्टे ट्यून्ड विद अस, मिसेस तसव्वुर मलिक के साथ रहिए। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पे। अब मैं लाइव स्ट्रीमिंग पे भी आऊँगी, आप अपने प्रॉब्लम्स बताइए, इंफॉर्मेशन लीजिए और सर्विसेज को भी इंजॉय करें और सर्विसेज को भी यूज़ करें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा, एक बार फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी और लाइव स्ट्रीमिंग पे होगी। तो दिस इज़ द गुड टाइम टू सेव योर वर्क, टू सेव योरसेल्फ विथ कंप्लीट SOP एंड गो फॉर अ सिंपल टूर, अ ग्रुप टूर, FITs एंड GITs एंड इन्जॉय द वीज़ाज। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। मैंने सोचा थोड़ा सा आपको वीज़ा असिस्टेंस के साथ या खूबसूरत सा व्यू भी दिखाया जाए।
कि साडा पाकिस्तान ते खूबसूरत पाकिस्तान और इस वक्त लोग जो हैं वो बहुत इन्जॉयमेंट के मूड में हैं और सब इस ठंडे मौसम को जो रात के टाइम हो जाता है इसे इन्जॉय कर रहे हैं। मैंने कहा वीज़ा असिस्टेंस के साथ थोड़ी सी आपको ट्रैक्स भी दिखा दी जाए। सो स्टे ट्यून विद अस। मिसेस तसव्वुर मलिक को इजाज़त दीजिए, एक बार फिर अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द लाइव स्ट्रीमिंग पे मुलाकात होगी यूट्यूब पे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।